हाय दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है वो है सेंट्रोजिंग के अंदर हमने एक एंड्रॉइड स्क्रीन लगाई है उसकी, जो कि हम देख सकते हैं कि इसका जो पैनल है वो कितना कवर कर रहा है। एक सेकेंड, इस वन थोड़ी सी वीडियो में छोटी कर देता हूँ। ये देखिए, देखा कहीं भी इसमें हमने कटिंग नहीं करी है, देख सकते हैं इसका ये एसी पॉइंट है, ये इसका एडजस्टिंग पॉइंट है। लेग्स फ्रंट लेग्स दोनों के लिए, ओनली फ्रंट के लिए, विंड स्क्रीन के लिए, ये सारी चीज़ें इसकी एज इट इज़ वैसे वर्क करती है जैसी करनी चाहिए। ऐसे ये इनपुट आउटपुट का जो पोर्शन है वो भी हमने एज इट इज़ लगाया, इसमें कुछ छेड़ा नहीं है। सेम इसमें कूल एंड हॉट के लिए जो ये प्रोसीजर देखा, दिस वन ये सेम हमने किया है। एसी का जो ब्लोअर है वो भी ऐसे ही एज इट इज़ है, पॉइंट वाला वर्क वाला, और ये लाइटर पॉइंट है इसका। तो ये एज इट इज़ हमने वही के वही लगा के दिया है जो कि कस्टमर जो आज तक देखते आए हैं। सेकेंड चीज़, इसके अंदर हमने जो स्पीकर लगाया है वो है एक सेट कंपोनेंट। बेसिकली क्या है, सेंट्रो के अंदर हम कभी भी डोर के अंदर फिटमेंट का प्रोविजन नहीं है, तो उसके अंदर हमने एक सेट फ्रंट और बैक पे डोरों में कंपोनेंट दिया, जिसको देख सकते हैं आप पीछे दिखाई दे, आपको एक सीट होल्ड कीजिए। ये रियर डोर का स्पीकर आ गया, ये इसमें नेट कनेक्ट कर दिया। मैं दोबारा मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा बैक, ठीक है। ये इस पर कौशिक कार एक्सेसरीज आ गया, कनेक्ट है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें पहले दिखाएगा आपको प्लेन, ठीक है। स्लाइड किया, वाईफाई कनेक्टिविटी, ओके। वाईफाई क्लिक करेंगे हम, इसको प्रेस करके रखते हैं, तो जो इसमें आपके नियर अबाउट वाईफाई लगे होंगे वो कनेक्ट कर लेंगे। बट हमें अपना बेसिकली फ़ोन करना है, तो मेरा जो फ़ोन है वो वाईफाई से कनेक्ट है, तो मैं वो तो कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, ये शॉर्ट है कि मैं आपको अपना कनेक्टिविटी दे सकता हूँ जो कि जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप होल्ड कीजिए बस कुछ सेकेंड, ये कनेक्टिविटी ले लिया इसने, ये इसका साइन आ चुका है, ठीक है। जो कि देख सकते हैं हम कि अब हमारा जो पूरा पैनल है ये पूरा खुल चुका है, और खुलने के बाद हम इसमें देख सकते हैं कि गूगल, ठीक है। ये सारी इसमें सेटिंग करनी पड़ती है। इसके अंदर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट एक छोटा सा ये भी है कि इसके अंदर जब भी हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ती है, जिसके अंदर ईमेल आईडी डालने बिना ये चलेगा नहीं। और तो आप देख चुके हैं, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मेरी लिंक पर जाके, मेरा नंबर है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक नेविगेशन का फीचर दिखा दूँ, ये पूरा का पूरा एक पेज खुल जाता है इसमें बड़े वाला गूगल एक्टिविटी। बट सेम वही प्रोसीजर है कि इसके अंदर हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जो भी हम आजकल आपको सब नोटिस ही करते हैं कि हम कोई भी फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें ईमेल आईडी डालनी पड़ती है बेसिकली, तो ईमेल आईडी डालने के बाद ही हमारा फ़ोन काम करता है। तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, आप देखते रहिए मेरी वीडियो और लाइक कीजिए, थोड़े बहुत ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। वर्क बाय कौशिक कार एक्सेसरीज द्वारका, थैंक यू सो मच।